इट्स वीडियो का टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। मैं एक छोटी डिटेल्स भी आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को खोलेंगे तो हमें उसमें से बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। सबसे मेन जो चीज़ है वो एक कॉइल देखने को मिलता है। आपको एक राउंड शेप का एक कॉइल देखने को मिलता है, उसके साथ एक टैपिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर फेस न्यूट्रल कनेक्ट हुआ है वो देखने को मिलता है। इसको आसानी से समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो राउंड शेप है इसे मैं स्ट्रेट कर दूंगा, मतलब सीधा कर दूंगा, तो क्या होगा आपको समझने में बहुत आसान होगा। आपको ये सिंबल बिल्कुल ऐसा दिखता है, मैंने 3D में मैंने आपको समझाने के लिए इसे भी सीधा कर दिया ऐसा सिंबल की तरह, तो क्या होगा आपको समझने में बहुत आसान होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही वाइंडिंग होता है, उस एक वाइंडिंग की हेल्प से हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकते हैं और स्टेप अप कर सकते हैं एक ही वाइंडिंग से। अब यहाँ पर जो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस वाइंडिंग का, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 70। मैं न्यूट्रल कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर जो नीचे वाला जो टर्मिनल है कॉइल का, उस कॉइल के नीचे वाले टर्मिनल पे मैं क्या करूँगा न्यूट्रल कनेक्ट कर, एंड जो 50 वाला कॉइल का जो टर्न्स है उस टर्न्स पे मैं फेस कनेक्ट करूँगा। क्यों मैं 50 पे ही कनेक्ट क्यों किया, सिर्फ एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 50 को चूज़ किया है। ठीक है, 40 को भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन 50 में आसानी होता है आपको समझाने के लिए, इसलिए और कुछ नहीं। तो मैंने कॉइल का एक टर्मिनल पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और 50 वाला जो कॉइल का जो टर्न्स है उस टर्न्स पे मैंने फेस कनेक्ट कर दिया। अब मैं 200 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई दूंगा एसी सप्लाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 200 वोल्ट का मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ। अब जैसे ही सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, फेस से न्यूट्रल में एक करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज, एंड ये 200 वोल्टेज क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस नंबर ऑफ टर्न्स में ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब सवाल है कि नंबर ऑफ टर्न्स 50 है एंड वोल्टेज है 200, तो हर एक टर्न्स पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज बाय टर्न्स। तो जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हर एक टर्न्स पे 4 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज बाय टर्न्स इक्वल टू क्या होता है कि हर एक टर्न्स में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर एक टर्न्स में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्टेज, मतलब 4 वोल्टेज हर एक टर्न्स पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लोड लूंगा, तब लोड है एक लाइट मान लो। अब मैं लाइट का एक टर्मिनल क्या करूंगा, यहाँ पर जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उसके साथ मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और लाइट का दूसरा जो टर्मिनल है उसे मैं टैपिंग की हेल्प से कनेक्ट करूंगा। कहाँ पर कनेक्ट करूंगा, चलो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, मेरा दिमाग में आया कि मैं 40 वाला जो टर्मिनल है, मतलब 40 नंबर का जो वाइंडिंग का टैपिंग है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हर एक टर्न्स, मतलब हर एक टर्न्स में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्टेज। तो अगर मैं 40 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, 40 वाला जो वाइंडिंग है वहाँ पर अगर मैंने कनेक्ट किया तो वोल्टेज हमें कितना मिलेगा ये बताओ, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 40 × 4 मतलब 160 वोल्टेज हमें मिलेगा, मतलब लाइट 160 वोल्टेज पे जलेगा। अगर मैं 20 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब टैपिंग जो 20 नंबर वाला टैपिंग है वहाँ पर मैंने अगर कनेक्ट किया लाइट का जो टर्मिनल है वो, तो हमें कितना वोल्टेज मिलेगा लाइट में, 20 × 4 मतलब कितना 80 वोल्टेज हमें मिलेगा लाइट में। अगर मैं टैपिंग को हटाकर मैं 50 पे कर दूं तो वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 50 × 4 मतलब 200 वोल्टेज हमें मिलेगा। अब 20 टर्निंग्स ऊपर की तरफ है, अब मैं क्या करूंगा जो टैपिंग है उसे मैं एकदम 70 वाले टर्मिनल पे कर दूंगा, तो 70 × 4 तो कितना होगा, 70 × 4 मतलब 280 वोल्टेज हो जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कहां पर टैपिंग कनेक्ट किया है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है, यही है, और ऐसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है और आगे भी ऐसे ही आप 3D में वीडियो देखना चाहते हो, तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच जाएगा। ध्यान से नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना।